Hello everyone, myself Arpit Mishra, and today I am going to share some important points related to flexible control system. This topic comes under control cable of mod 7, that is maintenance and practices. So you can check this chapter as it's 7.13 in the YASA tech book. So I am going to cover this whole topic in 3 videos, so watch all of them to have a better understanding of a topic. So guys, be with me till the end of this video, and so let's start our session. Okay guys, so the topic is aircraft flexible control system. So let's have a kind of overview on this particular topic कि हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं और क्यों हमें इसकी ज़रूरत है, क्या टॉपिक ये बात करता है. तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मल कंट्रोल केबल की, तो अगर मुझे सिर्फ एक पोलिंग एक्शन अचीव करना है तो मैं उस पर्टिकुलर नॉर्मल केबल का इस्तेमाल कर सकता हूँ. तो बिकॉज ऑफ उसमें क्या है, लैक ऑफ रिजिडिटी है, मतलब उसमें रिजिडिटी की कमी होने के कारण वो सिर्फ एक लूप में प्रेफर की जा सकती है, मतलब आई कैन प्रेफर दैम ओनली इन अ सर्किट वे. तो इस वजह से अगर मुझे कभी टू डायरेक्शन मूवमेंट यानी कि मुझे पुश पुल मूवमेंट दोनों ही अचीव करने हैं, तो उस केस में मेरे पास दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन ये है कि मैं कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल कर दूं जो मुझे दोनों पुश पुल मूवमेंट प्रोवाइड कर पाए, या फिर मैं एयरक्राफ्ट फ्लेक्सिबल कंट्रोल सिस्टम यानी कि फ्लेक्सिबल कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करूँ, जिसके अंदर मैं दो चीज़ों की बात करूँगा, बाउडन कंट्रोल केबल और टेलीफ्लेक्स कंट्रोल केबल. मैं इन दोनों सिस्टम की मदद से भी मैं जो पुश पुल मूवमेंट है वो इजीली अचीव कर सकता हूँ. एग्जांपल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ, जैसे हमारे साइकिल होते हैं, बाइसिकल, उसमें जो ब्रेक है, ब्रेक असेंबली है, जो जिस वायर से केबल से हम कनेक्ट करते हैं, वो भी एक पाउडन केबल का एग्जाम्पल है. वो ब्लैक कलर का जो आउटर कवरिंग है उसके अंदर जो स्टील वायर रहता है, वो टोटल कॉम्बिनेशन हम लोग बोल सकते हैं एक बाउडन केबल का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है वो. तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं कि हमने इस वजह से फ्लेक्सिबल कंट्रोल सिस्टम को फर किया. सो लेट्स सी व्हाट एंड ऑल पॉइंट्स आई हैव कवर्ड इन माय स्लाइड. तो पहला पॉइंट बोलता है, नॉर्मल एयरक्राफ्ट केबल आर ओनली कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग पोलिंग एक्शन ड्यू टू देयर लैक ऑफ रिजिडिटी एंड सो आर यूज्ड इन अ सर्किट. तो इसमें रिजिडिटी की कमी होने के कारण ये सिर्फ हमें पोलिंग एक्शन प्रोवाइड कर सकता है और हम इसे सर्किट में ही प्रेफर करेंगे, यानी कि एक लूप के फॉर्म में प्रेफर कर सकते हैं. वेयर अ 2D मूवमेंट of push pull is required in area of limited space. So दोस्तों बात कर रहा है यहाँ पे, अगर limited space है आपके पास और वहाँ पे आपको push pull movement achieve करना है, तो it would be necessary to use control rod with the increased weight penalty or to use flexible control system. तो guys ये point आपका बहुत important है, इस पर focus करिएगा. अगर अपने को टू डायरेक्शन मूवमेंट चाहिए, पुश पुल मूवमेंट चाहिए, और वो भी कहाँ पे, लिमिटेड स्पेस जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे हमें पुश पुल मूवमेंट का ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम लोग या तो कंट्रोल रॉड यूज़ कर सकते हैं. तो कंट्रोल रॉड के संग प्रॉब्लम क्या है, वो वेट के साथ आएगा, मतलब उसमें थोड़ा वेट पेनल्टी रहेगा. वेयर एज हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहा कि फ्लेक्सिबल कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि हमारे पास टेलीफ्लेक्स और हमारे पास बाउडन केबल का अरेंजमेंट है. तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे हम लोग कि बाउडन केबल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टेलीफ्लेक्स कंट्रोल सिस्टम वहाँ पे हम प्रेफर कर सकते हैं. अब इन दोनों के लिए हम स्पेसिफिकली बात करेंगे. पहले इस वीडियो में मैं बाउडन केबल के बारे में बात करने वाला हूँ, तो मूव करते हैं. इस स्लाइड में आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेकेंड नंबर वाला पॉइंट, उस पर आप फोकस करके याद रखिएगा. मूव करते हैं बाउडन केबल सिस्टम में, जिसका मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दिया कि साइकिल का ब्रेक सिस्टम, वहाँ पे हम लोग बाउडन केबल देख सकते हैं. आगे मूव करते हैं हम लोग. तो पहला पॉइंट, अ बाउडन केबल इज़ अ टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल केबल यूज्ड टू ट्रांसमिट मैकेनिकल फोर्स और एनर्जी बाय द मूवमेंट ऑफ इनर केबल रिलेटिव टू द हॉलो आउटर केबल केसिंग. तो दोस्तों बाउडन केबल के अंदर एक आउटर केसिंग है और उसके अंदर एक इनर वायर है, मतलब एक तरीके से एक हॉलो केबल के अंदर मैंने एक पर्टिकुलर वायर डाल रखा है स्टील का, वो मेरा बाउडन केबल एक तरह से तैयार हो गया. तो बाउडन केबल इज अ टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल केबल यूज टू ट्रांसमिट मैकेनिकल फोर्स और एनर्जी बाय द मूवमेंट ऑफ इनर केबल. इसमें सिर्फ इनर केबल मूव होती है, जिसकी वजह से मुझे जो भी मूवमेंट ट्रांसमिट करना है वो ट्रांसमिट हो जाता है. तो यानी कि आउटर केसिंग इसकी स्टेशनरी है, जिसके अंदर इनर वायर आपका मूव होता है. अब इसमें और कंस्ट्रक्शन में क्या क्या हो सकता है, एक इनर लाइनिंग रहेगी, एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग रहेगी, और बीच में हेलिकल वाइंडिंग हो सकती है. यानी कि ये तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मेरा बाउडन केबल बन रहा है. तो हाउसिंग इज जनरली ऑफ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन कंसिस्टिंग ऑफ एन इनर लाइनिंग, अ लॉन्गिट्यूडनली इनकम्प्रेसिबल लेयर सच एज हेलिकल वाइंडिंग और अ शीफ बंडल ऑफ स्टील वायर एंड अ प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग. तो यानी कि अगर देखा जाए, मैंने इसमें सेकेंड पॉइंट में क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक इनर लाइनिंग रहेगी,
और एक मेरे पास हेलिकल वाइंडिंग रहेगी, मतलब एक वायर रहेगा, स्टील का वायर मैं कह सकता हूँ, वो रहेगा। और उसके बाद प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग रहेगी, जो कि मैंने साइकिल के एग्जाम्पल में आपको बोला ब्लैक कलर का आउटर कवरिंग, उसकी बात कर रहा है, ये आउटर कवरिंग रहेगी। तो इन तीन चीज़ों से मेरा कहीं ना कहीं बॉर्डन केबल तैयार हो रहा है। इस स्लाइड के अंदर आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि पहले पॉइंट में जैसे कि इनर वायर आपका जो है वो मूव हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू इन रिलेटिव टू हॉलो आउटर केबल केसिंग, ठीक है, मतलब उस हाउसिंग के अंदर ये मूव हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ बॉर्डन केबल दिख सकता है, जिसमें ये वाला पार्ट आई कैन से स्टील वायर है, जिसमें मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और ये आपका लास्ट वाला जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, दैट इज़ व्हाट योर आउटर कवरिंग, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है। बाकी ये दोनों भी रेस्पेक्टिव मूवमेंट देते हैं विद रेस्पेक्ट टू दिस थिंग। तो यानी कि ये मूवमेंट अपना बॉर्डन केबल में इस तरीके से ये इनर वायर अपने मूव होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि मेरी हाउसिंग पे लगी हुई है ब्लैक कलर की। आगे मूव करते हैं हम लोग। तो मैनी लाइट एयरक्राफ्ट यूज़ अ पुश पुल बॉर्डन केबल फॉर द थ्रोटल कंट्रोल एंड हेयर इट इज़ नॉर्मल फॉर एन इनर एलिमेंट टू बी अ सॉलिड वायर रादर देन अ मल्टी स्ट्रैंड केबल। तो आई कैन से बॉर्डन केबल के अंदर सिर्फ एक स्टील वायर भी रखता हूँ इंस्टेड ऑफ मल्टी स्ट्रैंड केबल तो भी काम चल जाएगा। बॉर्डन केबल के अंदर यानी कि इसका इस्तेमाल मैं करता हूँ थ्रोटल कंट्रोल में, बहुत सारे लाइट एयरक्राफ्ट में थ्रोटल कंट्रोल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें सिर्फ एक स्टील वायर अपन रखते हैं आउटर केसिंग के अंदर, जो प्रोटेक्टिव आउटर उसके अंदर सिर्फ एक स्टील वायर भी अपन रखते हैं तो भी अपने को अचीव होता है पर्टिकुलर टारगेट, और इसमें जरूरत नहीं है मल्टी स्ट्रैंड केबल की। तो यहां पे पॉइंट क्या बोलता है, मैनी लाइट एयरक्राफ्ट यूज अ पुश पुल बॉर्डन केबल फॉर द कंट्रोल थ्रॉटल कंट्रोल एंड हेयर इट इज नॉर्मल फॉर द इनर एलिमेंट टू बी अ सॉलिड वायर। तो यहाँ पे एक सॉलिड वायर भी रहेगा इनर एलिमेंट तो भी काम चल जाएगा रादर देन द मल्टी स्ट्रैंड केबल। Usually, provision is made for adjusting the cable tension using an inline hollow bolt. तो बॉर्डन केबल के अंदर अपने को एक प्रोविज़न है कि हम लोग केबल टेंशन को अपन बड़ा घटा सकते हैं, मतलब और किसकी मदद से, केबल जो अपना बैरल एडजस्टर है उसकी मदद से हम लोग इसका टेंशन जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये बैरल एडजस्टर क्या है, एक हॉलो बोल्ट है जो जो हाउसिंग है उसकी लेंथ को बढ़ाना और घटाने का काम करता है। आप इस बैरल एडजस्टर की मदद से केबल की लेंथ आप इंक्रीज़ और डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब टेंशन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जिसमें बोलता है लेंथनिंग द हाउसिंग दैट इज टर्निंग द बैरल एडजस्टर आउट, जो बोल्ट है वो आप बाहर की तरफ अगर खोलते हैं तो केबल एक तरह से टाइट हो जाएगा, अगर आप बैरल एडजस्टर को इन अंदर की तरफ रोटेट करते हैं थ्रेड की मदद से अंदर की तरफ रोटेट करते हैं तो वो हाउसिंग को शॉर्ट कर देगा और केबल लूज हो जाएगा, मतलब टेंशन आपकी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती है इस बैरल एडजस्टर को आउट और इन मूव करा के। तो आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट रहा इस स्लाइड के अंदर वो है थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट पे आप फोकस करके चलिएगा। थर्ड पॉइंट ज़रूर याद रखेगा कि लेंथ जो है, आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं जो लेंथ है अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टाइटनेस ऑफ द केबल, आपने लेंथ बढ़ाई हाउसिंग की तो आपके केबल की टाइटनेस बढ़ जाएगी, आपने लेंथ कम करी के हाउसिंग की तो आपका जो केबल है उस केबल की जो मतलब लेंथ है वो एक तरह से जो क्या बोलते हैं टाइटनेस जो है वो लूजनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो लूज हो जाएगा यानी कि टेंशन कम हो जाएगी। तो थर्ड पॉइंट के लिए आप इंपॉर्टेंट मतलब मार्क करके रख सकते हैं, और इसमें एक वर्ड आप याद रखना बैरल एडजस्टर, जो मेरे इस हाउसिंग को बढ़ाना और घटाने का यानी कि लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम कर रहा है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, अब इसमें और पॉइंट्स देखते हैं। ओके, अ टिपिकल बॉर्डन केबल कंट्रोल माइट बी अ ब्रेक लीवर ऑन द कंट्रोल कॉलम ऑपरेटिंग अ रिमोट ब्रेक कंट्रोल वॉल्व। तो यानी कि मैं इसका ब्रेक लीवर में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ जहाँ पे कि ये कंट्रोल वॉल्व को ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। तो टिपिकल बॉर्डन केबल कंट्रोल माइट बी अ ब्रेक लीवर ऑन द कंट्रोल कॉलम ऑपरेटिंग अ रिमोट ब्रेक कंट्रोल वॉल्व। तो इसकी मदद से हम लोग ब्रेक कंट्रोल वॉल्व को भी ऑपरेट कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बॉर्डन केबल सिस्टम इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन ऑफ द इनर केबल एट रेगुलर इंटरवल एंड एडजस्टमेंट ऑफ आउटर कॉन्ड्यूट एग्जाम्पल इफ द ब्रेक नीडेड एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या है, आपको रेगुलर इंटरवल पे लुब्रिकेशन और क्लीनिंग करना पड़ेगा इसके इनर केबल का, जो इनर आप इसमें यूज कर रहे हैं केबल उसका आपको लुब्रिकेशन और क्लीनिंग बरकरार रखना पड़ेगा। द रीजन इज ये एक आउटर कॉन्ड्यूट के अंदर मूवमेंट दे रहा है तो वहां पे हो सकता है डस्ट पार्टिकल कलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए अपने को सफाई उसमें करके रखनी पड़ेगी। आउटर कॉन्ड्यूट से यही मतलब है जो आपका आउटर वाला हाउसिंग है,
लुब्रिकेशन कीप द मॉइस्चर आउट ऑफ द केबल टू प्रिवेंट इट फ्रीजिंग एट लो टेम्परेचर. जो आप लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे वो मॉइस्चर कंटेंट को बाहर ही रखेगा और प्रिवेंट करेगा जो फ्रीज होने से एट लो टेम्परेचर से. देखिए लुब्रिकेशन अगर हमारा क्लीन रहेगा, पहले के तो लुब्रिकेशन की जो क्वालिटी है, जो हम लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं उसको, वो क्या करेगा जो मॉइस्चर को उसको बाहर रखेगा. मॉइस्चर को बाहर रखेगा तो इससे अपने को क्या फ़ायदा है, हमारा जो अंदर का स्टील वायर है वो डैमेज नहीं होगा. अब अगर लुब्रिकेंट ही कॉन्टेमिनेट हो गया तो आपका थोड़े थोड़े वक्त के बाद, कुछ वक्त के बाद आई कैन से, जो अपना केबल का अरेंजमेंट है वो भी ख़राब होने लगेगा, केबल खुद भी ख़राब होने लगेगा. ये हम लोगों ने बियरिंग टॉपिक में भी देखा था. तो लुब्रिकेशन पहले खुद ही मदद कर रहा है मॉइस्चर को बाहर रखने के लिए, बट क्या है कई बार ऐसा होता है कि मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा थोड़ा करके अंदर आ जाता है. तो देर आर सर्टेन लुब्रिकेंट्स जो हम लोग प्रेफर करते हैं जब हमें पता हो कि हमारा जो सिस्टम है वो मॉइस्चर कंटेंट के साथ ही काम करने वाला है, तो अपन ऐसा लुब्रिकेंट प्रेफर करके चलते हैं जो इसमें सपोर्ट करता है कि मॉइस्चर कंटेंट को आने दे अंदर. आगे बढ़ते हैं. तो इस थर्ड पॉइंट में ये बात हुई कि लुब्रिकेंट जो है, लुब्रिकेशन जो है वो मॉइस्चर को बाहर रखता है केबल के और प्रिवेंट करता है फ्रीजिंग एट लो टेम्परेचर, उसको फ्रीज होने से बचाएगा, फ्रीजिंग एट लो टेम्परेचर. एंड सर्विसिंग ऑफ बाउडन केबल इज़ मिनिमल. तो बाउडन केबल में जो सर्विसिंग है वो मिनिमम, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है इसका, ज़्यादा इसमें सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं होती. आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना है, सेकेंड वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्लीनिंग और लुब्रिकेशन एक रेगुलर इंटरवल पे इस पर होती रहती है. दूसरा आपका ये थर्ड पॉइंट जो है, ये लुब्रिकेशन जो आप कर रहे हैं वो आपके मॉइस्चर, जो पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट है उसको बाहर रख रहा है केबल के और फ्रीज होने से, लो टेम्परेचर फ्रीज होने से बचा रहा है. सर्विसिंग ऑफ बाउडन केबल जो है वो भी मिनिमम है, इसमें ज़्यादा सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. अब बात यहाँ पे जैसे सर्विसिंग की बोल रहा है, तो अगर मैं इंस्पेक्शन की बात करूँ तो अगर आप सोचें तो इंस्पेक्शन अपन क्या कर सकते हैं, पूरे केबल का एक तो इंस्पेक्शन करेंगे हम कि पूरे केबल में कहीं कोई स्लैकनेस तो नहीं आ गई, लूज तो नहीं पड़ गया है. फिर हम लोग केबल का एंड चेक करेंगे कि एंड फिटिंग प्रॉपर है नहीं है, कोई फ्रेंग तो नहीं हो गया या फिर कोरोजन जैसी चीज़ तो नहीं आ गई है. इसके अलावा कॉन्ड्यूट जिसके अंदर हम लोग वायर इंसर्ट करके रख रहे हैं उसको भी चेक करते हैं हम अगली स्लाइड में क्या पॉइंट कवर कर सकते हैं हम लोग. तो पहला पॉइंट, इंस्पेक्ट द केबल एंड फॉर फ्रेइंग एंड कोरोजन. जो केबल एंड है वो ख़राब तो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे उखड़ तो नहीं रहा है या करोजन तो नहीं जमा हो रहा, ये इंस्पेक्शन होगा. इंस्पेक्ट द कॉन्ड्यूट फॉर किंक एंड साइन ऑफ वेयर. तो हम जो आउटर कवरिंग है उसको चेक करेंगे कि वो परमानेंट ट्विस्ट तो नहीं हो गए, किंक मतलब परमानेंट ट्विस्ट या परमानेंट बेंडिंग, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं आ गई या वो वेयर तो नहीं होने लग गया है, तो वेयर प्रॉपर्टी उस पर तो नहीं शो हो रही है. तो ये दोनों चीज़ें भी हम इंस्पेक्ट करेंगे आउटर कॉन्ड्यूट पर. फिर बात करते हैं एडजस्ट द केबल फॉर स्लैकनेस. हम केबल पर स्लैकनेस भी चेक करेंगे, अगर लूज हो गया तो उसे टाइट करके रखना है विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेबल नट, एडजस्टमेंट नट, बाय यूजिंग द एडजस्टमेंट नट दैट इज द स्क्रू आउट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ कॉन्ड्यूट टू टेक अप द स्लैकनेस इन अ केबल. तो एक पर्टिकुलर स्क्रू से, एडजस्टमेंट नट से हम लोग उस केबल की स्लैकनेस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब उससे कम कर सकते हैं. तो इस स्लाइड में अभी हमने देखे तीन पॉइंट, तो इंस्पेक्शन की बात की, इंस्पेक्शन किस चीज़ का, उनने पहले केबल एंड की बात की, केबल एंड आप देखेंगे करोजन तो नहीं है, फ्रेइंग तो नहीं है, मतलब ख़राब तो नहीं हो रहा है केबल एंड से. फिर कॉन्ड्यूट जिसके अंदर ये केबल अपन इंसर्ट करके रखे, जिसके अंदर ये मूव हो रहा है केबल, उसमें तो कहीं किंकिंग नहीं आ गई है, किंकिंग मतलब परमानेंट ट्विस्टिंग या बेंडिंग तो नहीं आ गई, या कोई वियर प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, ये अपने को चेक करना है. इसके बाद ही हम केबल को, पूरे केबल को स्लैकनेस के लिए चेक करेंगे और उसे एडजस्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट नट. तो एंश्योर द एडजस्टमेंट नट इज़ लॉक्ड व्हेन फिनिश. वंस यू आर डन विद द टास्क, आप ये भी इंश्योर कर दे जो एडजस्टेबल नट है, एडजस्टमेंट नट है, वो कम्प्लीटली उसको, मतलब एकदम फाइनली लॉक हो गया है नहीं हो गया है, अदरवाइज लूज रह जाएगा और डस्ट पार्टिकल वापस से अंदर आ सकते हैं. तो गाइज दिस मच फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो. अगले वीडियो में मैं बात करूँगा स्पेसिफिकली हमारे टेलीफ्लेक्स कंट्रोल केबल सिस्टम की, और फिर बाद में हम थर्ड वीडियो में देखेंगे अटैचमेंट ऑफ टेलीफ्लेक्स कंट्रोल केबल सिस्टम.